हेलो गेमर्स, कैसे हो आप सभी। होप करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, गाइस मजे में होंगे। सो गाइस, आप सभी को पता है कि हमारे फ्री फायर का कोलैबोरेशन होने वाला है जापानीज एनिमे से, जिसका नाम है वन पंच मैन। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को इस कोलैबोरेशन के अंदर बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे आइटम्स आप लोग को मिलने वाले हैं, और गाइस बहुत सारी चीजें चेंज होगी हमारे गेम के अंदर। तो गाइस, वो आप लोगों को मैं पहले बताने वाला हूं। मतलब गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और ये जो कोलैबोरेशन है ना, ये स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को 10 जनवरी से। तो गाइस, उसके बाद से गाइस आप लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगे गेम के अंदर। तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो कि कौन कौन से आप लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने वाले, दो तीन तो फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले, दो तीन फ्री कॉस्ट्यूम मिलने वाले, तो गाइस वो कौन कौन से है ना, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मतलब गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो के बाद। गाइज, यार जो हमारा कोलैबोरेशन है ना वन पंच मैन के साथ, वो स्टार्ट हो जाएगा 10 जनवरी को। मतलब गाइज, उसके बाद से गाइज आप लोगों को बहुत सारे नए नए बंडल्स देखने को मिलने वाले। तो गाइज, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ साइतामा का बंडल। जो हमारा वन पंच मैन है ना, उसका मेन हीरो है साइतामा। तो गाइज, वो मैं आप लोगों को बंडल दिखा देता हूँ कौन सा बंडल है। आप लोगों ने पहले भी इसको देखा होगा, काफी सारे यूट्यूबर्स ने डाल के रखा है। गाइज, यार ये जो बंडल है ना, ये है साइतामा का बंडल। अगर आप लोगों ने एनिमे को वॉच किया वन पंच मैन, तो आप लोगों को पता होगा कि साइतामा कौन है। अगर आप लोगों ने वॉच नहीं किया तो जाके वॉच कर लो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइज, जो बंडल है ना, इसको डिटो कॉपी मार दिया आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग एनिमे वॉच करोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि एकदम डिटो ये लोगों ने कॉपी मार दिया। मतलब गाइस, फुल आप लोगों को पैसा वसूल होने वाला है बंडल। और गाइस, जो बंडल है ना, ये किसी वेब इवेंट में आएगा, और उसमें बोरा भर के डायमंड लगेगा। मतलब गाइस, बहुत ज्यादा डायमंड आप लोगों को लेने वाले ये बंडल, क्योंकि वन पंच मैन का मेन हीरो साइतामा का बंडल है, तो इतना डायमंड तो लगेगा ही, बहुत ज्यादा डायमंड लगने वाले, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं नाइट सूट का बंडल। यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो, ये जो बंडल है ना, ये शुरू में देखने को मिलेगा। मतलब गाइस, जैसे हमारा कोलैबोरेशन हो जाएगा ना, आप लोग को जो साइतामा का बंडल है वो नहीं दिया जाएगा, वो आप लोग को दिया जाएगा 10-15 दिन के बाद। लेकिन पहले आप लोग को जो ये बंडल्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना, ये 2 नंबर और 3 नंबर वाले, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो नाइट सूट वाला बंडल, ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और जो 3rd नंबर वाला बंडल है, वो भी हमें आप लोग को दिखा जाता है। तो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे हमारा नाइट सूट वाला आ जाता है। उसके बाद गाइस, ये जो आप लोग बंडल देख रहे हो ना, ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ये भी गाइस मुझे बहुत पसंद आया। तो गाइस, ये जो दोनों बंडल है ना, ये आप लोग को शुरू में देखने को मिलेगा, उसके बाद गाइस आप लोग को साइतामा का बंडल देखने को मिलने वाला है। और गाइस, ये तीनों के तीनों बंडल है ना, ये आप लोगों को डायमंड्स के अंदर देखने को मिलने वाला है, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। उसके बाद गाइस, अब बात कर लेते हैं वेपन्स की। आप लोगों को काफी सारे वेपन्स देखने को मिलने वाले, काफी सारे नई नई चीजें आने वाली है हमारे गेम के अंदर। तो गाइस, वो मैं एक एक करके आप लोगों को रिव्यू करके बता देता हूं कौन कौन सी चीजें आने वाली है, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले गाइस मैं आप लोगों को बात कर लेता हूं हमारे M1887, यानी कि गाइस दो गोली वाली शॉटगन है ना, उसकी एक स्किन आने वाली। यहां पर गाइस आप लोग देख पाएंगे, इसकी एनिमेशन आप लोग देख सकते हो कि क्या ही तबाही एनिमेशन बना दिए लोग ने। तो गाइस, यहां पर पूरा फीस्ट का ये लोग ने एनिमेशन बनाया, क्योंकि गाइस वन पंच मैन के साथ कोलैबोरेशन है, तो गाइस इतना तो करना बनता है। आप लोगों को यहां पर वन पंच मैन के थीम पे ये वाला जो शॉटगन की स्किन है M1887 की, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसमें गाइस एक डैमेज और डबल रेट ऑफ फायर हो सकता है, अभी कंफर्म एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो गाइस इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। तो गाइस, अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ग्लू वॉल की स्किन। आप लोगों को टॉप अप इवेंट के अंदर 100 डायमंड के अंदर ये वाली जो ग्लू वॉल की स्किन है ना, ये देखने को मिल जाएगी। और गाइस, ज्यादा महंगा नहीं होगा, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूं, उतना भी ज्यादा खास ग्लू वॉल नहीं है। तो गाइस, इसलिए आप लोगों को 100 डायमंड टॉप अप के अंदर शायद से देखने को मिल सकते हैं। बहुत टाइम से 100 डायमंड टॉप अप के अंदर नहीं आया, तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दिया। सो गाइस, अब कोलैबोरेशन होने वाला है, तो गाइस आप लोगों को गेम के अंदर भी काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो लोडिंग स्किन है, आप लोगों को कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, काफी ज्यादा यहां पर तगड़ा लग रहा है, क्योंकि गाइस कोलैबोरेशन हो रहा है। तो गाइस, ऐसा ही होता है, आप सभी को बताया कि कोई भी चीज में कोलैबोरेशन होती है ना, तो गाइस आप लोगों का पूरा गेम का थीम चेंज कर दिया जाता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को थीम दिखा देता हूं कि किस तरीके का आप लोगों को थीम देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहां पर देखो गाइस, आप लोगों को इस तरीके का लॉबी देखने को मिलेगा। यहां पर गाइस आप लोग देखो बैकग्राउंड में वन पंच मैन का जो मेन कैरेक्टर है ना साइतामा, उसका गाइस स्टैचू देखने को मिल रहा है बैकग्राउंड में। मतलब गाइस, बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, इसी से आप लोग पता लगा सकते हो। और गाइस, आप लोगों को फीस्ट की स्किन भी दिखाऊंगा, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं जो हमारा प्लेन है ना, एरोप्लेन, उसका भी गाइस यहां पर देखो स्किन आ चुकी है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग जैसे 10 जनवरी को आप लोग लॉगिन करोगे ना, आप लोग जैसे गेम खेलोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कौन-कौन सी चीजें नहीं आने वाले। जो हमारा यहां पर लूट क्रेट की जो स्किन होती है ना, लूट बॉक्स की जो स्किन होती है, वो अभी आप लोगों को यहां पर देख सकते हो चेंज हो चुकी है। और गाइस, जो फीस्ट की स्किन है ना, ये आने वाली, आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा फीस्ट लग रहा है, काफी ज्यादा तगड़ा लगा, इसका जो एनिमेशन है ये बहुत बड़ा लग रहा है। और गाइस, जो वन पंच है बहन है ना, उसी के यहां पर थीम पे भेज रहे, क्योंकि गाइस वन पंच मैन का जो फीस्ट है ना वो बहुत बड़ा है, तो गाइस इसीलिए ये आप लोगों को स्किन देखने को मिलने वाली। और ये जो फीस्ट की स्किन है ना, ये किस इवेंट में आने वाली है, ये भी कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा एक वेब इवेंट में, जिसका नाम है फायर पंच। तो गाइस, ये इवेंट में आप लोगों को देखने को मिलने वाले, जिसमें गाइस आप लोगों को प्लिंकर इवेंट से कम डायमंड लगने वाले हैं। मतलब गाइस, कम डायमंड के अंदर आप लोगों को फीस्ट की स्किन देखने को मिल
मिल जाएगी। क्योंकि फायर पंच एक नया इवेंट है और गाइस प्लिंको इवेंट से तो 100 गुना बेहतर होगा, क्योंकि गाइस प्लिंको इवेंट में बहुत ज्यादा लक की वहां पर जरूरत होती है। तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं नेक्स्ट वेपन वाला। तो गाइस नेक्स्ट वेपन वाला होने वाला है हमारा M4A1 का, यहां पर आप लोग देख सकते हो गाइस। उसके बाद जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाला है यहां पर गाइस आप लोग देख पा रहे हो P90 का इनक्यूबेटर। भाई साहब ये जो फोटो देखा है मैंने, ये जो वीडियो देखी बहुत तगड़ा लगा मुझे गाइस। यहां पर देखो काफी ज्यादा तगड़ा एनिमेशन बनाया है इसका। और इसका जो नाम होने वाला वो होने वाला है ट्यून ट्रैवलर, ऐसा कुछ नाम होने वाला। तो गाइस इस तरीके का आप लोग देख सकते हो, बहुत तगड़ा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बहुत तगड़ा ये लोग ने बना दिया एनिमेशन। और P90 देखने में लगता ही नहीं। आप लोगों में से कितने बंदों को लगा कि ये P90 स्किन है? बहुत तगड़ा बना है ये जो टाइटन स्कार है ना, उस तरीके का देखने को मिला। बहुत बड़ा ह्यूज डिजाइन बना दिया इसका। तो गाइस ये मैं आप लोग को दिखा दिया, सबसे पहले दिखाया हुआ। तो गाइस प्लीज यार एक लाइक मार देना। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे कि भाई फ्री के आइटम्स कौन कौन से मिलेंगे ये तो बता दो। तो गाइस वन पंच मैन एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, तो गाइस इसके अंदर फ्री के आइटम्स होना तो एकदम डेफिनेट है, आप लोग को देखने को मिलने ही वाले। तो गाइस कुछ यहाँ पर लीक हुआ है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस आप लोगों को दो कॉस्ट्यूम देखने को मिलेंगे, एक मेल का होगा एक फीमेल का होगा। तो गाइस वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, अभी फिलहाल के लिए तो वही लीक हुआ है। तो गाइस ये आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों के दोनों ना आप लोग को 100% फ्री में मिलने वाले, एकदम गारंटी के साथ गाइस ये दोनों के दोनों फ्री में मिलने वाले। तो गाइस ऐसा मत सुना कि ये बस दोनों ही चीज है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाले। लेकिन गाइस फ्री फायर ने अभी तक लीक नहीं किया, क्योंकि गाइस अभी तक ना आप लोग को ये चीज जो है ना, नई नई चीज है जो फ्री के आइटम्स है वो फ्री फायर दिखाना नहीं चाहती। गाइस वो लोग नहीं चाहते कि जो सरप्राइज है ना वो यहाँ पर खराब हो। तो गाइस आप लोग को सरप्राइज देने के लिए गई ना आप लोग को बहुत नए नए आइटम इस कोलैबोरेशन में देने वाले। जैसे कि गाइस आप लोग को एक चीज दिखा देता हूं तो गाइस वो आप लोग खुश हो जाएगा। तो गाइस आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, ये जो आप लोग देख रहे हो ना ये है लकी ट्री, जिसको आप लोग लॉबी में लगाते हो, जिससे गाइस आप लोग को फ्री डायमंड्स मिलते हैं ना। ये वही चीज है, यही एक तरीका है जिससे गाइस आप लोग फ्री में डायमंड्स ले सकते हो। यही एक बस तरीका है जिससे गाइस एकदम इजीली मिल जाता है, बस गेम के अंदर मिलता है। आप लोग जाना होगा लॉबी में, आप लोग को लॉबी के अंदर ये देखने को मिलेगा, जिससे गाइस आप लोग डायमंड भी ले सकते हो। मतलब गाइस एक दो डायमंड मिलते हैं और गाइस गोल्ड भी मिलते हैं, काफी बार तो यार 10 डायमंड तक भी मिल जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो यही दो चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली है, मैं आप लोग को दिखा दूँ ये कंफर्म चीज है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, टेंशन मत लेना आप लोग, बहुत सारी चीजें फ्री में आएगी, बहुत सारे नए नए इवेंट्स आएंगे फ्री के। तो गाइस वो मैं आप लोग को बता दूंगा कि इस तरीके से मिलेंगे। तो गाइस आज का जो वीडियो था ना यही तक था, मैं आप लोग को वन पंच मैन का फुल डिटेल दे दिया, इसके बाद गाइस आप लोग को कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस आज का जो वीडियो था यही तक था। तो गाइस उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपसे किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।